गठबंधन में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों की मीटिंग का तीसरा दिन। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर कांग्रेस के साथ चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की 48 में से 20 सीटों पर कांग्रेस, 20 सीटों पर ही शिवसेना उद्धव गुट, 6 पर एनसीपी और 2 सीट पर वंचित बहुजन अघाड़ी के लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। सीटों का सर बंटवारा फाइनलाइज हो गए कि इस मीटिंग में कोई अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ? फाइनल होगा तब बड़े नेता आपको आके बताएं। महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग होगा वो मेरिट के आधार पे होगा और बीजेपी को वहाँ हम महाविकास अघाड़ी करके परास्त करना है और उसके लिए हमारा पूरा प्लान तैयार हो गया। किसको जगह ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है वो इश्यू हमारे महाविकास अघाड़ी में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। माना जा रहा है शिवसेना में टूट के बाद भी समर्थकों की संख्या उद्धव गुट के पास ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस उद्धव गुट को ज्यादा भाव देना चाहती है। जबकि अजीत पवार के अलग होने से एनसीपी में नेताओं की संख्या कम बची है, इसलिए रणनीति ये है कि एनसीपी को कम सीटों के लिए तैयार किया जाए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत कह रहे हैं तीनों दलों को एक दूसरे की खूबी और खामी का पता है, लिहाजा सीट बंटवारे में समस्या नहीं होगी। तीनों भी जानते कि एक दूसरे की ताकत क्या है, महाराष्ट्र में कैसे जाना है और बराबर वो वहाँ सबसे पहले अगर गठबंधन का होगा तो इंडिया का महाराष्ट्र में होगा, इतना ध्यान रखें। महाराष्ट्र के गठबंधन में कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर को साथ लेकर चलना चाहती है ताकि दलित वोटर्स को साथ रखा जा सके। माना जा रहा है इसके लिए बाकी सहयोगी दल भी राजी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, हालांकि बाद में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। लेकिन साल 2022 में शिवसेना टूट गई और महाविकास अघाड़ी सरकार बाहर हो गई। अब पहली बार है जब शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है।